देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम आप अपने स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है। ठीक है, ए सिंगल फेज वोल्टेज सप्लाई कितना दिया हुआ है लाइक दिस मैन करस्पॉन्डिंग इज कनेक्टेड टू द फॉलोइंग लोड्स इन पैरेलल। चलिए पहले तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग जो सिंगल फेज सप्लाई कितना दिया हुआ है उसको पकड़ते हैं। ये सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए कितना है यहाँ पे 230 एट द एंगल जीरो ये वोल्ट दिया हुआ है। VS की वैल्यू जो कि लाइक दिस मैन करस्पॉन्डिंग है सिंगल फेज है इज कनेक्टेड टू द फॉलोइंग लोड इन पैरेलल। अच्छा, यहाँ पे तीन लोड हैं। ठीक है, इन तीनों लोडों को ऐड कर दिया। देखो ये एक लोड वन और यहाँ पे एक लोड टू के करस्पॉन्डिंग और ठीक है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, और एक तीसरा लोड है लोड थ्री, कोई दिक्कत नहीं, हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें जो भी पावर जाएगी S1 इसमें S2 और इसमें S3। ठीक है, तो ये हो गया SL। इतना तो लिख सकते हो कि SL की वैल्यू जो रिएक्ट अपरेंट पावर होगी वो S1 प्लस S2 प्लस S3 का क्या होगी सम होगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में बोला है कि जो फर्स्ट लोड है लोड फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग लोड फर्स्ट। ठीक है, लोड फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग P1 की वैल्यू दिया हुआ है 400 वाट के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। पावर फैक्टर लीडिंग दिया हुआ है, पावर फैक्टर दैट इज 0.9 लीडिंग। ठीक है, हमको पावर फैक्टर किसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है 0.9 लीडिंग। तो क्या हम इसकी हेल्प से क्यू निकाल सकते हैं? पी हमको पता है, क्यू हमको पता है कि एक ट्राइंगल बनाओगे नहीं भाई। S1 जो लिखते हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? P1 प्लस JQ1। ठीक है, ये क्या होता है दैट इज़ P1 और ये क्या होता है Q1 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और ये S होता है। ठीक है, अगर हमको लिखना हो किसके करस्पॉन्डिंग Q1 के करस्पॉन्डिंग तो क्या लिखोगे? इसको cos थीटा जो भी है थीटा 1 मान लो, तो cos थीटा 1 की वैल्यू ठीक है या 5-1 कर दो, ज़्यादा सही नहीं तो दोनों सेम लग रहा है। तो cos थीटा 1 कितना दिया हुआ है 0.9 लीडिंग। ठीक है, 0.9 तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से tan थीटा 1 दिस इक्वल टू या 5-1 दिस इक्वल टू क्या लिखो Q1 बाई P1। अगर Q1 चाहिए तो आप क्या लिखोगे P1 इंटू cos tan थीटा 1 और P1 कितना है 400 और ये tan थीटा 1 कितना हो जाएगा? पहले तो थीटा निकालना पड़ेगा। देखो cos इनवर्स 0.9 का कितना मिलेगा 25 और इसका टैन करेंगे तो ये मिलेगा 0.4843 और इसमें 400 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये मिला है 193.72। ठीक है, तो Q1 हमको जो भी मिला वो 193.72। ठीक है, क्योंकि ये लीडिंग है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव। ठीक है, लीडिंग है ना तो यहाँ पे VAR लिखेंगे, लीडिंग है इस वजह से क्यों क्या मिलेगा निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि P1 और Q1 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो एंगल आया था जो भी था, अच्छा S1 को तो लिखना हो तो S1 की वैल्यू जो भी आ गई किसके करस्पॉन्डिंग हो गई 400 माइनस जे 193.72 ये S1 के करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ये लोड वन के करस्पॉन्डिंग। फिर लोड टू का करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है कि इम्पीडेंस दिया हुआ है, नहीं इम्पीडेंस नहीं रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ZL की वैल्यू दे रखी है, यूनिटी पावर फैक्टर है तो ZL जो है जो भी है इसके करस्पॉन्डिंग 88.46 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए पावर फैक्टर कितना है यूनिटी, तो लोड टू पहले लिख लो, लोड टू को पकड़ लेते हैं। तो पहले इसको डिटरमाइन करते हैं, तो बताइए S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। S2 के लिए हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये हमको दिया है, ZL हमको पता है। या तो आप ऐसा करो, ऐसे भी कर सकते हो, देखो VL डिवाइड बाई क्या कर दो ZL कर दो, तो VL कितना है 230 डिवाइड बाई कितना है 88.46 एट द एंगल जीरो, यूनिटी पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर क्या है यूनिटी 1, तो
इसका यहाँ पे क्या लिखो, एट द एंगल जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 230 डिवाइड बाई 88.46, दैट इज़ 2.6, ये आएगा 2.6, ठीक है। तो ये हो गया IL, जो भी है इसमें करंट एट द एंगल जीरो करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर हमको पावर लिखना हो तो S2 में पावर क्या हो जाएगी, जो भी है, अगर V इसको VS मानते हो ना, तो VS इंटू IL का कंजुगेट, VS की वैल्यू कितनी है, 230 इंटू IL 2.6 एट द एंगल जीरो, दोनों ही एट द एंगल जीरो जीरो है ना, ये भी VS भी क्या है एट द एंगल जीरो। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटू कितना है 230, तो ये मिलेगा 598.01 एट द एंगल जीरो। तो आप ऐसे लिख सकते हो 598.01, ठीक है, इतना ही लिख दो बस ख़त्म। और जे की वैल्यू क्या है, जीरो, नहीं क्यू की वैल्यू क्या आप लिखी, जीरो, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है, वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ रियल कंपोनेंट आ रहा है। S3 करस्पॉन्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, S3 के बारे में सिंपल सा दे रखा है कि ये कितना है 300 एट द एंगल 60 डिग्री। तो 300 एट द एंगल 60 डिग्री को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, 300 एट द एंगल 60, इसको आप कन्वर्ट करो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो पहला कितना आ जाएगा 150 प्लस जे कितना आ रहा स्विफ्ट में 259.80, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, पहला काम करो कि एस एल पूरा निकाल लो, ठीक है, इन सबको ऐड करो, ठीक है। तो इसमें ऐड करेंगे किसको, प्लस 598.01, फिर प्लस 400, ठीक है, और फिर माइनस 193.72 आई, ठीक है। तो ऐड करके कितना आ रहा है, दैट इज़ 148.01, ठीक है, और फिर ये आ रहा है प्लस 66.08, ये जे करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और इसको अगर हम पोलर में चेंज करें तो ये आ रहा है फाइनली 1149.91 एट द एंगल 3.29 SL, ठीक है, पहले तो क्लियर है कि नहीं। अब पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन करस्पॉन्ड क्या क्या डिटरमाइन करना है, ठीक है, हमको थोड़ी सी चीज़ें पढ़ने से पता थी। तो पहले तो हम चाहते थे कि जो नेट आएगा वो क्या कितना दिखेगा, ठीक है, पहले बताओ क्लियर है ये SL। अब देखो फर्स्ट वन के करस्पॉन्ड डिटरमाइन द टोटल सर्किट इम्पीडेंस, तो टोटल सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, पहले बताओ ये जो है SL, मतलब यहाँ से जो भी है SS जो होगा सोर्स से जो जाएगी पावर वो तो इसी को लोड को ट्रांसफर होगी, तो इसका मतलब SS दिस इक्वल टू SL होगा, SL का मतलब तीनों का सम, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट, हमको डिटरमाइन करना है टोटल इम्पीडेंस। टोटल इम्पीडेंस डिटरमाइन करने का मतलब क्या हुआ कि देखो पहला टारगेट भाई SL की वैल्यू जो भी है, जो भी आई है, ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग होगी, VS एट द एंगल IS का कंजुगेट होगा, पहले तो क्लियर है कि नहीं, ऐसे होगा ना, जो भी करंट यहाँ से अगर करंट जा रही है IS जा रही है तो क्या लिखोगे, VS जो SL होगा VS इंटू IS का कंजुगेट लिखेंगे ना, पावर तो ये होती है रिएक्टिव पावर, कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, VS की वैल्यू पता है तो IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IS का कंजुगेट इज इक्वल टू 1149.91 एट द एंगल 3.29 डिवाइड बाई VS की वैल्यू कितनी है 230 एट द एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो डिवाइड कर दो जो भी आया है, डिवाइड बाई 230, तो ये कितना आ रहा है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, एक सेकेंड, और इसको भी अगर पोलर रेक्टेंगल ये आ रहा है, दैट इज 4.99 एट द एंगल 3.294, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, ये तो हुआ आई एस का कंजुगेट। तो आई एस क्या होगा, ये तो आई एस का कंजुगेट आया ना, तो आई एस की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, दैट इज 4.99 एट द एंगल -3.294। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, इसी का कंजुगेट ये है ना, अगर इसका कंजुगेट करो तो यही आएगी ना, एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब बताइए आई एस हमको मिल गया, तो पहला टारगेट क्या है, इम्पीडेंस निकालना इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस। तो बताओ वी एस डिवाइडेड बाई आई एस कर दो, वी एस डिवाइड बाई आई एस, तो वी एस की वैल्यू कितनी, 230 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई वी एस 4.99 एट द एंगल -3.294, कितना आएगा जी, दैट इज जेड एस सोर्स इम्पीडेंस। तो ये एक्चुअली 5 ही है ना, अगर ये करेंगे तो 5 से डिवीजन कर दो भाई, 230 डिवाइड बाई, इसको सीधे 5 लिखो, 4 नहीं 5 सॉरी, 230 डिवाइड बाई 5, क्लोजर टू 5 है ना, दैट्स व्हाई 46 आएगा, 46 एट द एंगल 3.294। तो इम्पीडेंस क्या, जो भी आ रहा है इम्पीडेंस 46 एट द एंगल 3.294, ये क्या आएगा, ओम में आएगा। ठीक है, और ये कैसा है, इंडक्टिव है, इंडक्टिव है ना सर्किट, कैसा है अगर कोई आपसे पूछे ये कैसा सर्किट आया, इंडक्टिव आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द टोटल इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा दिस वन। फिर नेक्स्ट है अपरेंट पावर एट लोड वन, वन के करस्पॉन्डिंग अपरेंट पावर, तो देखो वन के करस्पॉन्डिंग अपरेंट पावर की बात करें तो एस की वैल्यू क्या लिखेंगे, एस वन इज इक्वल टू पी वन प्लस जे क्यू, जे क्यू वन, पी वन की वैल्यू कितनी है हमारी 400 माइनस जे 193.72। ठीक है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर दो, तो 400 माइनस 193.72 एट द आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, ये होगा 44.44 एट द एंगल -25.84। तो ये हो गया एस वन, पहला आंसर ये हो गया। फिर पूछा है लोड टू के करस, अच्छा लोड टू, अच्छा रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर, तो पहला तो अपरेंट पावर तो ये हो गई, देखो अपरेंट पावर ये हो गई, रिएक्टिव पावर कौन सी है ये, ठीक है अपरेंट पावर ये हो गई फर्स्ट लोड के करस्पॉन्डिंग, सेकेंड लोड के करस्पॉन्डिंग, सेकेंड लोड के करस्पॉन्डिंग रिएक्टिव पावर कितनी है 0 और अपरेंट पावर कितनी है यही, ये सेकेंड के करस्पॉन्डिंग हो गया। और टोटल सेकेंड पूछा है डिटरमाइन द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, बताओ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर टू ओवरऑल पावर फैक्टर कहाँ गया, जो भी आया था जेड एस जो आया है ना लाइक दिस वन, इसी का कॉस 5 ले लो, कॉस 3.294, तो ये हो जाएगा कॉस 5 ओवरऑल पावर फैक्टर। ठीक है, जो भी आया है, और ये कैसा है, इंडक्टिव है ना, तो कॉस ऐसा लिख लो, कॉस 3.294 दैट इज 0.983। क्लियर है कि नहीं, ये हो गया पहले करस्पॉन्डिंग। फिर पूछा है क्वेश्चन में डिजाइन ए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सर्किट टू अचीव ए यूनिटी पावर फैक्टर, हम चाहते हैं कि सर्किट को ऐसा डिजाइन करना चाहते हैं कि जो अचीव कर ले यूनिटी पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, डिजाइन ए पावर फैक्टर हमको वो, ठीक है उस पावर, हम ऐसा पावर फैक्टर डिजाइन करना चाहते हैं कि पावर जो कि सर्किट अचीव कर ले यूनिटी पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बताइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, यहाँ समझो ये जो भी आया है सॉल्व करके, ये पूरा जो सॉल्व करके क्या आया, SL आया है, हमने SL को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, इसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर अटैच कर दो, हमें नहीं पता कि इसको अटैच करने कितना अटैच करें, माइनस जे क्यू सी हो जाएगा, पहले बताओ क्लियर है भाई, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं, जब कैपेसिटर अटैच कर देंगे तो क्या बनेगा, जब कैपेसिटर अटैच कर देंगे तो यहाँ पे जो नेट पावर होगी SS की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, SL माइनस JQC। ठीक है, और SL की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये वाली, तो जो भी है 1148.01 प्लस J, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 66.0
एट माइनस क्यू सी। पावर फैक्टर यूनिटी के लिए एट यूपीएफ पावर फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए, ये जो क्यू आ रहा है, जो आपका क्यू क्यू एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। नहीं, क्यू एक्स जो है ये पूरा कितना होना चाहिए, जीरो। तभी ना, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ पी का कंपोनेंट होता है, रिएक्टिव पावर नहीं होती। तो ये क्यू एक्स जीरो होना चाहिए, मतलब इसका जो ये पूरा टर्म उठा के जीरो पुट कर दो तो क्यू सी किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, तो फाइनली क्यू सी जो आएगा वो दैट इज 66.08 VAR। तो मतलब इतने का अगर हम रिएक्टिव पावर यहाँ पे अप्लाई कर दें, मतलब अटैच कर दें, तो काम बन जाएगा। अगर कोई पूछ ले कैपेसिटर कितना होगा तो क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर सी इंटू, भाई इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इम्पीडेंस क्यू सी दिस इक्वल टू ओमेगा, सॉरी ओमेगा सी इंटू वी स्क्वायर दिस इक्वल टू क्यू सी करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो सी की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, क्यू सी की वैल्यू कितनी है, नहीं क्यू की वैल्यू 2.08 होल डिवाइड बाई 2 पाई 3.14 और एफ की वैल्यू 60 है, कितना है जी स्टार्टिंग में दे रखा है ना, 50 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग एंड 2 पाई एफ की वैल्यू ये हो गया, और सी हमको निकालना है, और वी स्क्वायर मतलब 230 का होल स्क्वायर बस। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हो गया कैपेसिटर की, इतने कैपेसिटर अटैच कर देंगे तो बात बन जाएगी। मतलब ऐसे 66.08 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये मिलेगा, सॉरी तो ये मिलेगा, फिर डिवाइड किया 3.14 से तो हमको ये मिल गया, फिर डिवाइड किया 50 से तो ये मिल गया, फिर डिवाइडेड किया 230 से तो ये मिल गया, फिर डिवाइड किया 230 से तो ये मिल गया 3.9, ठीक है 3.9 ये आ रहा है 3.978 माइक्रो फैराडे। तो इतने का कैपेसिटर अगर हम अटैच कर दें तो बात बन जाएगी। पहले तो क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली, हमारा एक स्टूडेंट है आउट ऑफ, ये मलेशिया का स्टूडेंट है, तो उसमें आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चन करा देंगे। तो ये कल आया था उसके एग्ज़ाम में, तो मैंने उसको सॉल्यूशन दे दिया। तो खैर क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल वे में हाउ टू रिजॉल्व इट बना रहे।